हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास ट्वेल्थ आप लोगों के लिए हिंदी का दोस्तों 11 नंबर चैप्टर हंसते हुए मेरा अकेलापन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। यानी कि डियर स्टूडेंट, इससे पहले 10 चैप्टर तक के मैंने आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया है, आप लोग प्ले लिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं। तो चले डियर स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना है। और भी दोस्तों, आप लोग टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं तो आप लोग को गूगल पर सर्च करना है educationlecture.com, ठीक है ना। आप लोगों को दोस्तों स्पेस नहीं देना है, एकदम सटले में लिखना है सभी को educationlecture.com, वहां से भी आप लोग PDF जाकर के पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बनाना, बहुत मजा आने वाला है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख पाओगे। कहा जा रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक है मेरे प्यारेलाल, आप लोग बताओ कौन है। देखो क्वेश्चन नहीं, आंसर दे दिया दोस्तों। अर्थात दोस्तों आप लोग का शीर्षक हंसते हुए मेरा अकेलापन मालियत के द्वारा लिखा गया है, जो कि आप लोग देख पा रहे बी नंबर ऑप्शन में दिया गया। जो भी विद्यार्थी बी नंबर को सेलेक्ट किया बिल्कुल उनका सही उत्तर हो जाएंगे। क्यों देंगे, हंसते हुए मेरा अकेलापन है दोस्तों मालियत के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। तो कहा जाए कि मालियत का जन्म कहाँ हुआ था। देखो मालियत का जो जन्म हुआ था दोस्तों, उनका जन्म कहाँ हुआ था ये आप लोगों को बतलाना है। चलिए बहुत ही अच्छा, जो भी दोस्तों सेकंड का ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं आजमगढ़, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। क्योंकि आजमगढ़ में दोस्तों किनका, तो दोस्तों मालियत का दोस्तों जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, आजमगढ़ में। चलो जो विद्यार्थी सी नंबर लगा रहे हैं बिल्कुल उनका सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे डियर। तो कहा जा रहा है कि मालियस छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे। देखो मालियस थे ना दोस्तों बचपन में दोस्तों क्षय रोग, ठीक है ना, जिसे आप लोग टीबी के भी नाम से जानते होंगे। टीबी रोग से दोस्तों, क्षय रोग से दोस्तों आप लोग क्या मालियस थे दोस्तों, किससे दोस्तों मतलब ग्रसित थे, ठीक है ना। तो आप लोग को ध्यान रखना क्षय रोग से, ठीक है ना। आप लोग जानते होंगे क्षय रोग दोस्तों क्या है, तो फेफड़े का एक रोग का। ऑप्शन नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे सी नंबर ऑप्शन में दिया है। जो भी विद्यार्थी सी नंबर सेलेक्ट किया है बिल्कुल उनका सही उत्तर है। चलिए फोर नंबर क्वेश्चन देखेंगे डियर। तो कहा जा रहा है कि मालियत की माँ का नाम क्या था। देखो मालियत की माँ का नाम दोस्तों प्रभावती देवी था, ठीक है ना। क्या था, प्रभावती देवी। जो विद्यार्थी ए नंबर लगाए बिल्कुल उनका सही उत्तर हो जाएंगे। मालियत की माँ का नाम दोस्तों प्रभावती था, ए नंबर जो विद्यार्थी लगाए बिल्कुल उनका सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए एकदम बिल्कुल आंसर पहले से पता हो दोस्तों तो आंसर देते रहिए कमेंट बॉक्स में। चलिए यहाँ पर देखेंगे तो कहा जाए कि मालियाज का जन्म हुआ था। देखो मालियाज का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो जन्म कहाँ हुआ था, सॉरी कब हुआ था। तो मालियाज का जन्म दोस्तों 1935 इसमें हुआ था। बताइए आप लोग कमेंट कीजिए हुआ था कि नहीं बिल्कुल। चलो बहुत ही अच्छा, जो विद्यार्थी ए नंबर सेलेक्ट किए हैं बिल्कुल उनका सही उत्तर देंगे। मालियाज का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। देखो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करना डियर। इसका आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो 9142-5194 पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, या तो आप लोग टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है ना। चलो एजुकेशन लेक्चर से टेलीग्राम भी है। चलिए सिक्स नंबर क्वेश्चन देखेंगे डियर। तो कहा जा रहा है कि मालियत का मूल नाम क्या था। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया कि मालियत का जो मूल नाम था वो भरत जी श्रीवास्तव था। ऑप्शन नंबर जो भी विद्यार्थी बी नंबर लगा रहे हैं बिल्कुल उनका सही उत्तर देंगे। क्या देंगे, मालियत का जो मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव था, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही उत्तर देंगे। चलिए बहुत ही अच्छा, जो विद्यार्थी बी नंबर लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर देंगे। देखिए मालियत के पिता का नाम अब बात किया दोस्तों, तो चलिए बताइए आप लोग मालियत के पिता का नाम क्या था। चलिए बहुत ही अच्छा, मालियत के पिता का नाम दोस्तों त्रिलोकीनाथ वर्मा था, ठीक है ना, त्रिलोकीनाथ वर्मा। चलिए चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए थे दोस्तों, जिसमें त्रिलोकीनाथ वर्मा दोस्तों मालियत के पिता का नाम, पिता का और माँ का नाम प्रभावती था। चलिए यहाँ पर देखोगे तो मालियत ने किस मंत्रालय में नौकरी किया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया है, तो बिल्कुल ये नंबर जो विद्यार्थी लगा रहे हैं कृषि मंत्रालय बिल्कुल उनका सही उत्तर देंगे। क्योंकि मालियत ने दोस्तों कृषि मंत्रालय में नौकरी किए थे, ये नंबर बिल्कुल सही उत्तर देंगे। क्या देंगे, मालियत थे वो कृषि मंत्रालय में नौकरी किए थे। चलिए नाइन नंबर क्वेश्चन देखते हैं डियर। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मालियत की नहीं है। देखो कौन सी रचना दोस्तों मालियत की आलोचना नहीं है। देखो आलोचना की बात कर रहा है, रचना नहीं आलोचना, कौन सी आलोचना मालियत की नहीं है। चलिए चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, रस सिद्धांत ऑप्शन में बी में दिया, भाषा विज्ञान ऑप्शन में दिया, कविता से साक्षात्कार। जो कि जो विद्यार्थी सी नंबर लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन मालियत की आलोचना है, तो कविता से साक्षात्कार हो जाएंगे बिल्कुल।
बिल्कुल सही उत्तर। चलिए सुरक्षा कहाँ हो सकती है दोस्तों, आप लोग बताओ सुरक्षा जो हो सकती है वो कहाँ हो सकती है, आप लोग बताओ। घर के भीतर हो सकती है, अंधेरे में हो सकती है, चुनौतियों को झेलने में हो सकती है, ठीक है ना। थोड़ा मेरा दोस्तों कांट बाधा हुआ तो भी आपके लिए इतना मेहनत करें। चलिए इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है सुरक्षा कहाँ हो सकती है, तो चुनौतियों को झेलने में दोस्तों सुरक्षा हो सकती है। जो भी विद्यार्थी डी नंबर लगा रहे हैं बिल्कुल उनका सही उत्तर देंगे दोस्तों, ठीक है ना। सुरक्षा कहाँ हो सकती है, तो चुनौतियों को झेलने में। प्लीज फ्रेश द बेल आइकन, देखो यार आप लोग कमेंट भी करो, आप लोग कमेंट नहीं करते यार, प्लीज यार प्लीज प्लीज आप लोग कमेंट करके बताओ वीडियो कैसे लगते हैं। चलिए यहाँ पर देखोगे 11 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है ना कि मालियत के अनुसार किस कर्म के बिना मानवता दोस्तों अधूरी है। दोस्तों कहा जाए कि मालियत के अनुसार किस कर्म के बिना दोस्तों मानवीयता जो है अधूरी है। चलो बहुत अच्छा, जो भी विद्यार्थी ए नंबर लगाए रचनात्मक कार्य बिल्कुल उनका सही उत्तर देंगे, यानी कि मालियत के अनुसार किस कर्म के बिना दोस्तों मानवता अधूरी है, तो रचनात्मक कार्य ऑप्शन नंबर ए जो भी विद्यार्थी लगाए उनका बिल्कुल सही हो जाएंगे, रचनात्मक कार्य कर्म सॉरी। यहाँ पर देखो 12 नंबर क्वेश्चन, तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है। कहा जाए कि मालियत ने जग पर फूल नामक कविता कब लिखे थे, तो 1971 इसमें लिखे थे। डियर ये क्वेश्चन आप लोग को 2022 के लिए यार मोस्ट इंपोर्टेंट में कवर किया गया था, आया भी है, ठीक है ना। चलो बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे, 1971 ईस्वी को मालियत ने जग पर फूल नामक कविता लिखे थे। लेकिन वहाँ पर उल्टा क्वेश्चन पूछा था कि जग पर फूल किसकी रचना है, तो आप लोग को याद रखना मालियत जी की रचना ऑप्शन नंबर जो विद्यार्थी बी नंबर लगा रहे हैं बिल्कुल उनका सही उत्तर देंगे। चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखोगे 30 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेय व्यक्ति कौन था। सूचना केंद्र में दोस्तों लेखक को अधेय, सूचना केंद्र में दोस्तों लेखक को आकर्षित करने वाला अधेय व्यक्ति था ना दोस्तों, वो कौन था, तो आप लोग को याद रखना बलभद्र ठाकुर थे, ऑप्शन नंबर जो विद्यार्थी बी नंबर लगा रहे हैं बिल्कुल उनका सही उत्तर देंगे। यानी कि सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेय व्यक्ति दोस्तों बलभद्र ठाकुर थे, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो गया। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी, तो दोस्तों 7 से 8 साल की थी, ठीक है ना, 7 से 8 साल की थी दोस्तों कौन, सेब बेचने वाली लड़की की आयु, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही उत्तर देंगे, 7-8 वर्ष की थी। चलिए देखेंगे दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जाए रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है, आप लोग कमेंट करो और बताओ रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है। चलो बहुत ही अच्छा, द्वंद्वात्मक होता है दोस्तों, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे, द्वंद्वात्मक होता है। डियर जो विद्यार्थी यार बे नंबर सेलेक्ट करने बिल्कुल उनका सही उत्तर देंगे, रचने और भोगने का जो रिश्ता होता है द्वंद्वात्मक होते हैं, नकारात्मक सकारात्मक तो कभी होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखो मालियत की कौन सी रचना, देखो आप लोग इसमें देर मत कीजिए, मालियत की रचना दोस्तों कौन है, तो आप लोग कैसे याद रख सकते हो, थोड़ा दोस्तों फनी ट्रिक है जिससे आप लोग दोस्तों याद रख सकते हो, ठीक है ना, मालियत की कौन सी रचना, ठीक है ना। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन है दोस्तों जो कि मालियत के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर देंगे, मालियत का दोस्तों कौन सी रचना, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन ऑप्शन नंबर डी हो गए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे डियर, तो कहा जा रहा है कि पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं, बेचने के लिए कि ईंधन के लिए कि घर बनाने के लिए कि इनमें से कोई नहीं। चलिए बहुत अच्छा, जो विद्यार्थी इसका बी नंबर लगा रहे हैं ईंधन के लिए बिल्कुल उनका सही उत्तर देंगे, क्योंकि पेड़ दोस्तों आजकल काटे जा रहे हैं ईंधन के लिए और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए काटा जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग को चैप्टर के अनुसार बताना है कि पेड़ दोस्तों किस लिए काटे जा रहे हैं, तो ईंधन के लिए होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर देंगे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे डियर, तो कहा जा रहा है कि मालियत ने एमए दोस्तों किस विश्वविद्यालय से किए थे, जो मालियत से दोस्तों एमए जो होता है वो किस विश्वविद्यालय से किए थे, बनारस विश्वविद्यालय की, जोधपुर विश्वविद्यालय की, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, पटना विश्वविद्यालय। चलिए बहुत अच्छा, जो विद्यार्थी सी नंबर लगाए इलाहाबाद विश्वविद्यालय उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि मालियत से दोस्तों उनका दोस्तों एमए होता ना एमए, वो दोस्तों एमए जो किए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे, यानी कि जो विद्यार्थी सी नंबर लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो कहा जा रहा है कि कविता से साक्षात्कार किसकी रचना है। चलो 19 नंबर क्वेश्चन का जो विद्यार्थी ए नंबर सही के बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों ये
चैप्टर है मेरा आस्ते हुए मेरा अकेलापन मैरिज की रचना है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कविता से साक्षात्कार किसकी रचना है, ये दोस्तों किसकी सच्चा चरित्र है, मैरिज की, इसलिए इसका मैरिज ही राइट आंसर हो देंगे, ठीक है ना। कविता से साक्षात्कार किसकी रचना है, तो मैरिज की हो जाएगी, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। बाल कृष्ण भट्ट हो गए दोस्तों, बातचीत है इनका। रामधारी सिंह दिनकर तो हो गए दोस्तों, आप लोग जानते हो अर्धना ईश्वर दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर का, ये नहीं होगा। चलिए जयशंकर प्रसाद तो कभी होगा ना डियर, ये सब आप लोग को ध्यान देना है, आप लोग का चैप्टर क्या अगल बगल के, लेकिन आप लोग को याद रखना जिस चैप्टर का जिक्र किया जा रहा है उसी चैप्टर में दोस्तों मालियाज का जिक्र किया गया, तो ए नंबर इसका सही हो जाएंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे डियर, तो कहा जा रहा है कि हास्य मेरा अकेलापन किस विद्या में लिखा गया है, क्या निबंध है या क्या यह कहानी है कि क्या जीवन विद्या है कि डायरी विद्या है, तो आप लोग कमेंट कीजिए और राइट आंसर ठोकने का प्रयास कीजिए। चलिए बहुत ही अच्छा, देखो हंसते हुए मेरा अकेलापन ये दोस्तों एक तरह का डायरी है, ठीक है ना, डायरी विद्या के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। हंसते हुए मेरा अकेलापन दोस्तों किस विद्या के अंतर्गत आएगा, तो डायरी विद्या के, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर देंगे। आप लोग इसका PDF वगैरह लेना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, इसका आप लोग को PDF दे दिए जाएंगे। या तो आप लोग को दोस्तों टेलीग्राम की सुविधा नहीं है तो आप लोग इस नंबर पर दोस्तों मैसेज कर करके और दोस्तों या तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया वहाँ से ज्वाइन होकर के PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे डियर, तो कहा जाए कि जख्म पर फूल कैसे विद्या है, जख्म पर दोस्तों फूल है वो कैसे विद्या है, ये क्वेश्चन दोस्तों 2022 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइए जख्म पर फूल दोस्तों का रचना है विद्या है ये मालियत की, ये भी आप लोग को याद रखना, साथ में इनको 1971 ईस्वी में दोस्तों कह सकते हो किया गया था। चलिए तो यहाँ पर कहा जाए कैसे विद्या है, तो जाहिर सी बात इसमें आप लोग बता सकते हो बेहिचक। चलिए बहुत अच्छा, जो विद्यार्थी कविता संग्रह लगाने बिल्कुल उनका सही उत्तर हो जाएंगे, क्या देंगे कविता संग्रह डियर। चलिए ए नंबर बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएंगे। देखिए कहा जाए कौन सी रचना मालियत की, अब देखना पड़ेगा ऑप्शन का, कोई ऑप्शन यह नहीं दिख रहा, चलिए देखते हैं कौन सी रचना मालियत की है, तो आप लोग को पता है जख्म पर फूल दोस्तों शुरू में मिल गया, तो जाहिर सी बात है ए नंबर सही हो जाएगा। संवाद का एकलाप नहीं होगा, रामचंद्र शुक्ल नहीं होगा, इनमें से सभी तो कभी को हो गए नहीं। चलिए चलिए बहुत अच्छा, जो विद्यार्थी ए नंबर लगाए जख्म पर फूल उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे डियर 23 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन दोस्तों किसका है। चलिए हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह किसका कथन है। जाहिर सी बात है सभी विद्यार्थी सी नंबर लगाए मालियत जी, बिल्कुल सही उत्तर डियर स्टूडेंट, जो विद्यार्थी सी नंबर लगाए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए वीडियो को जो विद्यार्थी अभी तक लाइक नहीं किया तो एक वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब आपके लिए इतना मेहनत किया, चलिए लाइक कर दीजिए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर डियर 24 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि मालियत जी का निधन कब हुआ था। आप लोगों को पता है मालियत का दोस्तों जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था, साथ में इनका निधन को भी याद कर लेना है क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एजी का क्वेश्चन आता है जो कि हर स्टूडेंट कह सकते हैं, जो कि इजी पैटर्न का आता है, तो बताइए 24 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या देंगे। चलिए बहुत ही अच्छा, जो विद्यार्थी एकदम 24 का एकदम करेक्ट से ऑप्शन नंबर सी लगाए बिल्कुल उनका सही है, क्योंकि दोस्तों 26 अप्रैल था ना वो दिनांक, और 1983 ईस्वी था, ठीक है ना, 95 तो कभी होगा नहीं, 42 भी नहीं, इतना जल्दी नहीं, इतना 36 नहीं। चलो जो विद्यार्थी सी नंबर लगाए उनका बिल्कुल सही होता है, 26 अप्रैल 1983 ईस्वी को दोस्तों मालिया जी का निधन हुआ था, ठीक है ना। आप लोग चाहते हो डियर PDF वगैरह पढ़ने के लिए, तो आप लोग को गूगल पर एक बात सर्च करना है, क्या सर्च करना है आप लोग को लिख करके दिखला देता हूँ। आप लोग को गूगल पर सर्च कर लेना है एजुकेशन edu.education.com लिख देना आप लोग को, आप लोग जानते होंगे मैंने तो जानवे कहते हैं एजुकेशन लेक्चर स्पेस नहीं देना, .com लिख देना, आप लोग वहाँ से सर्च करके वहाँ से आप लोग PDF वगैरह जा करके टेस्ट वगैरह दे सकते हो और पढ़ सकते हो। चलो यहाँ पर देखोगे डियर, तो कहा कि मालियत के माता का नाम क्या था, तो मालियत के जो माता का नाम था मेरे प्यारे लाल, आप लोग कमेंट करो क्या थे उनके नाम, तो प्रभावती था, ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही उत्तर देंगे। मालियत के माता का नाम दोस्तों प्रभावती था, ये आप लोग को शुरुआती में बतला चुके हैं, ठीक है ना। चलो एकदम धाकड़ एकदम सभी क्वेश्चन, ठीक है ना, यही सब क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में रहेंगे, इतना आप लोग को याद रखना है। चलिए जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर से बने सभी क्वेश्चनों को यार कवर करने, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा,
कहा जा रहा है कि मालियाज का जन्म किस प्रदेश में हुआ है। जाहिर सी बात इसमें सभी स्टूडेंट एकदम बतला देंगे उत्तर प्रदेश में। मालियाज का दोस्तों जो जन्म हुआ था उनका दोस्तों जन्म उत्तर प्रदेश यूपी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 27 का बिल्कुल सी नंबर सही उत्तर है, मालियाज जी का जन्म दोस्तों उत्तर प्रदेश में हुआ था, ए सी नंबर इसका सही उत्तर देंगे। देखो कहा जा रहा है दोस्तों कि मालियाज थे वो एमए दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे, इलाहाबाद से, ठीक है ना। चलो और इनका एमए था वो क्या हिंदी में था, क्या अंग्रेजी में था, क्या संस्कृत में था, आप लोग कमेंट करो और बताओ कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्योंकि मालियाज ने दोस्तों एमए किया था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था, लेकिन दोस्तों जो होता है ना मीडियम, क्या उनका मीडियम हिंदी था, क्या इंग्लिश था, क्या संस्कृत था, तो आप लोग कमेंट करो बता दो इसका सही उत्तर, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसे आप लोग को लग रहा है। चलिए मालियाज जी का दोस्तों जो एमए किए थे वो अंग्रेजी से किए थे, कौन सा दोस्तों मीडियम था, अंग्रेजी मीडियम था। चलो जो विद्यार्थी इसका बी नंबर लगाए बिल्कुल उनका सही उत्तर देंगे, मालियाज जी ने दोस्तों एमए जो किया था अंग्रेजी से किया था। चलो डियर यहाँ पर देखो 29 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि नए कविता आंदोलन के 1960 के दशक में अंतिम दौर में मालियाज के उदय किस रूप में हुआ था। मेरे प्यारे लाल जो विद्यार्थी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया बिल्कुल उनका से, क्योंकि इन्हें एक विश्व शिक्षक के रूप में देखा जाता है, तो विश्व शिक्षक नहीं, यहाँ पर नए कविता का अंतर नहीं, यहाँ पर विश्व शिक्षक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होंगे, एक नए कविता के रूप में देखा जाता है, एक नए कवि के रूप में देखा जाता है। देखेंगे यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जाए कि मालियाज का स्वभाव कैसा था। मालियाज थे दोस्तों, ठीक है ना, मालियाज उनका स्वभाव क्या अंतर्मुखी था, क्या गंभीरता, क्या एकांत प्रिय और मितभाषी था, कि इनमें से सभी हो जाएगा। चलो जो भी विद्यार्थी ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन से संतुष्ट होकर के ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लिया है बिल्कुल उनका सही उत्तर डी है। आप लोग बिल्कुल भौकाल मचा दे, भौकाल मचा दिए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए डियर, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर, पीडीएफ की बात है तो टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ मैं अभी आप लोग को पीडीएफ दे देता हूँ। देखो आप लोग को कुछ नहीं करना है, या तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात है, इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके दोस्तों क्या कर सकते हो, वहाँ से पीडीएफ को ग्रहण कर सकते हो यार, यहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिले, या तो आप लोग टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और वहाँ से ज्वाइन होकर के वहाँ से पीडीएफ को ले सकते हो। चलिए अगर वीडियो पसंद है जाहिर सी बात है वीडियो को एक लाइक करोगे और वीडियो को यार शेयर करोगे, चलो वीडियो को जरूर शेयर करना। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।